अब देखो नेक्स्ट वेक्टर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पढ़ो कि ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा यूनिट वेक्टर, 5j + ij यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं कि i का जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करो, 5 को स्क्वायर + c का स्क्वायर = 1। तो सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 0.25 + c का स्क्वायर = 1। तो c स्क्वायर कितना, 0.75। तो c कितना होगा, 0.75 का रूट ओवर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इजी है। x कंपोनेंट फोर्सेस, x कंपोनेंट कितना दिया है, x कंपोनेंट में x के डायरेक्शन में कितना दिया है, ये x और ये है तुम्हारा y, x के डायरेक्शन में 2 दिया है, और कौन से डायरेक्शन में, y कंपोनेंट कितना है, -3 मतलब नेगेटिव ऑफ y। तो x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, 2y, y डायरेक्शन में नेगेटिव है -3j, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो पहले वाला जो a लिखा हुआ है, a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये क्या लिखे, 3i + 4j, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √5। तो b लिखा हुआ है, ऐसे करके निकाल सकते हो, b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2i + 4j + 6k। तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर + 4 + 16 + 36 का रूट ओवर। सिमिलरली सी भी सेम टाइप का है, 2 स्क्वायर + 1। तो ये कितना है, 9 का रूट ओवर कितना, 3 है। तो कंपेयर कर सकते हो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बोल दीजिए, ए दिया हुआ है तुम्हें 2y - j, बी दिया हुआ है -i - j + k। तो हमें चाहिए यूनिट वेक्टर ऑफ a - b। तो a - b पहले कर लेते हैं, अगर c = a - b तो a - b क्या हो जाएगा, माइनस करो कितना हो जाएगा, i से i माइनस करेंगे तो 2 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 3i, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और -k वेक्टर। तो c का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर c, और मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो कितना आ जाएगा, 3i - k / 3² + 1² तो ये कितना हो जाएगा, 3i - k / √10। तो ये आंसर है। तो नेक्स्ट बोल रहे, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट मतलब ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू f1 + f2, ऐड कर दोगे डायरेक्टली एडिशन में आता है, तो इसका डिस्कशन नहीं कर रहा। 6 वाला देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे किया था। 6 में बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू i + 2j। पैरेलल मतलब क्या, इसका यूनिट वेक्टर उस वाले जो हमारे वेक्टर बनेगा उसका वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना है, 3√5। तो हमको अगर c वेक्टर बनाना है, वेक्टर c इंटू उसका यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना है, 3√5, और ये यूनिट वेक्टर किसका है, इसके बराबर यूनिट वेक्टर है। तो अब लिख लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका पता है, मैंने यहाँ भी बताया, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो इसका वेक्टर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, i + 2j बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना, 1² + 2 का स्क्वायर। तो ये कितना, देखो √5 कट गया, तो 3 × i + 2j, और इसको लिख सकते हैं 3i + 6j, ये आंसर है। ये भी बहुत ईजी है, ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें, बी वेक्टर है -2i - 5j, सी वेक्टर i - j। तो हमको चाहिए a + 2b - c। तो a लिखो,
प्लस टू वी मतलब टू इंटू बी लिखो माइनस टू वाई माइनस फाइव जे और माइनस सी आई माइनस जे, तो इसको सॉल्व कर देंगे बस टू वाई माइनस फोर जे, तो ये कितना माइनस फोर आई माइनस टेन जे माइनस आई प्लस जे, तो सॉल्व करो सारे आई को एक साथ ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव माइनस थ्री आई, सारे जे को एक साथ ऐड करो तो माइनस फोर्टीन माइनस थर्टीन जे, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट देखो, उसी टाइप का है, पहला वाला सिक्स टाइप का है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड टू रूट ओवर टेन एंड एंटी पैरेलल टू आई प्लस थ्री जे, एंटी पैरेलल है इसके, तो मतलब हमें वेक्टर का लिखना है मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना बोला है टू रूट ओवर टेन, और एंटी पैरेलल मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर क्या इसका डायरेक्शन देता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना i प्लस थ्री जे बाय कितना रूट ओवर टेन इंटू एक माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंटी पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो रूट ओवर टेन कट गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू इंटू आई प्लस थ्री जे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू आई माइनस सिक्स जे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, ये बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज डबल ऑफ माइनस थ्री आई, मतलब माइनस थ्री आई प्लस फोर जे का मैग्नीट्यूड का डबल एक वेक्टर चाहिए हमको, और डायरेक्शन क्या है पैरेलल है जिसका, जो यूनिट वेक्टर चाहिए उसका आई माइनस जे का यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो मैं लिखता हूँ वेक्टर सी, सी वेक्टर इसका तो मैग्नीट्यूड इंटू इसका यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड किसका है इसका मैग्नीट्यूड के डबल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा देखो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का रूट ओवर इंटू टू, तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन प्लस नाइन फाइव इंटू टू कितना टेन, तो मैंने टेन लिख दिया, और इसका यूनिट वेक्टर लिखो आई माइनस जे बाय वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस जे बाय रूट ओवर टू इके फाइव रूट ओवर टू आई माइनस जे, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो फाइव रूट ओवर टू आई माइनस फाइव रूट ओवर टू जे, तो ये क्वेश्चन नंबर एट नाइन। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर टेन कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चों में डाउट आया था क्वेश्चन नंबर टेन में पूछ रहे थे, तो देखो यहाँ पे तो ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें कितना है थ्री आई माइनस फोर जे, बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई माइनस फोर जे, तो इसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में एंगल बनाएगा उसको हम निकालेंगे, तो पहले ए प्लस बी का निकाल दो, ए प्लस बी हो जाएगा कितना आठ गुणो कितना टू आई माइनस एट जे, ये है ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी जो वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट कितना है टू आई है, वाई कंपोनेंट माइनस एट जे, तो डायग्राम बना देते हैं टू आई मतलब एक्स डायरेक्शन में टू है और माइनस जे मतलब वाई डायरेक्शन में, ये है वाई एट है। अब अगर इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे तो ये भी तो एट हो सकता है, तो इसको ज्वाइन करो, ये है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टेन थीटा, क्या लिखेंगे उस पर ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू एट बाय टू इक्वल टू फोर, तो थीटा कितना है टेन इनवर्स फोर, तो टेन इनवर्स फोर किसके साथ है टेन इनवर्स फोर विथ एक्स एक्सिस और कौन सा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टेन। अब देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन, ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर इलेवन सेम टाइप का है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया, सी निकालना है हमको, बता दे रहा हूं थ्री ए प्लस टू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो सी क्या हो जाएगा थ्री ए प्लस टू बी, तो थ्री ए का जगह मैं अपना वैल्यू डाल दूं, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है तुम्हें माइनस टू आई प्लस जे माइनस थ्री के प्लस टू बी का जगह डाल दो अपना वैल्यू, फाइव आई
प्लस थ्री जे, तो ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस सिक्स आई प्लस थ्री जे माइनस नाइन के प्लस टेन आई फिफ्टीन जे माइनस फोर के। अब इसको ऐड करो, ये कितना है, माइनस सिक्स प्लस टेन कितना आ जाएगा, फोर आई, ये थ्री जे और ये फिफ्टीन जे प्लस एटीन जे माइनस थर्टीन के, तो ये आंसर। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, टू इंटू थ्री कितना सिक्स, सिक्स प्लस थ्री कितना है नाइन है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है दिया, ए माइनस टू बी प्लस सी जीरो है, तो हमको सी चाहिए, तो सी क्या हो जाएगा, टू बी माइनस ए, तो आपने वैल्यू डालो टू बी का जगह डालेंगे हम, दिया माइनस टू आई माइनस फाइव जे माइनस ए, ए का जगह क्या डालोगे, टू आई माइनस फोर जे माइनस फोर आई माइनस सिक्स आई माइनस सिक्स जे, क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो। तो बोल रहे हैं कि दो वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू ए माइनस टू बी, पहले ए माइनस टू बी निकालना है, तो ए माइनस टू बी कितना हो जाएगा, एक है जगह एक एक वैल्यू दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, टू आई माइनस फोर जे माइनस टू बी का जगह दिया हुआ है कितना, माइनस टू आई माइनस फाइव जे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये माइनस टू मिल जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर प्लस सिक्स आई, तो ये कितना हो जाएगा प्लस सिक्स जे, और इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना, सिक्स रूट टू होना चाहिए, तो अगर सी वेक्टर लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है सिक्स रूट टू, और इसका यूनिट वेक्टर लिखना है हमको सिक्स आई प्लस सिक्स जे बाय सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर का रूट आओ, तो ये कितना आ जाएगा सिक्स रूट टू कट गया, तो आंसर कितना है सिक्स आई प्लस सिक्स जे, और इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गलत है, उसमें ऑप्शन नहीं है, बट करेक्ट आंसर कितना है सिक्स आई प्लस सिक्स जे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, फाइंड अ वेक्टर 10 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये कितना माइनस 10 जे कैप, डायरेक्टली लिख सकते हैं नेगेटिव वाई मतलब माइनस 10 जे कैप, और 8 यूनिट अलग एक्स एक्सिस मतलब 8i प्लस माइनस 10j, और 8i माइनस 10j, 15 देखो, फाइंड अ वेक्टर 1 यूनिट अलग नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस i, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 8 यूनिट अलग वाई एक्सिस प्लस 8j, बस ये हो गया तुम्हारा वेक्टर 5 कंप्लीट।